taken the edge. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने इंग्लैंड के बेस बॉल क्रिकेट की हवा निकाल दी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा पहला एशेज टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। इंग्लैंड ने अपना बेस बॉल क्रिकेट खेला और ऑस्ट्रेलिया को दिया था 281 रन का लक्ष्य। इंग्लैंड के मन में था कि ये लक्ष्य हम आराम से डिफेंड कर लेंगे और ये मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इरादे कुछ और थे। उनके कप्तान पैट कमिंस ने अपनी टीम को जीत दिलाई है। 2 विकेट से मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड को उसी की जमीन पर कर दिया है ध्वस्त। ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला कहां जीता, कौन सा वो मोमेंट था जहां से ऑस्ट्रेलिया हावी हुआ और इंग्लैंड पिछड़ गया, आइए आपको समझाते हैं। बेसबॉल क्रिकेट खेलते हुए इंग्लैंड ने मैच के पहले ही दिन 8 विकेट पर 393 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 386 रन पर ऑल आउट हो गई। कमिंस की टीम ने इंग्लैंड को पहली पारी में महज 7 रन की ही लीड देने का मौका दिया। इसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी को ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने 273 रन पर समेट दिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 281 रन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। 3 विकेट उसने 4th दिन के आखिरी सेशन में ही गवा दिए थे। आखिरी दिन का खेल भी बारिश के कारण देरी से शुरू हुआ। 5वें दिन का पहला सेशन तो पूरा ही बारिश के कारण धुल गया। अब ऑस्ट्रेलिया टीम ने 5वें दिन की शुरुआत 107 रन से आगे खेलते हुए की। आखिरी दिन जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 174 रनों की जरूरत थी, तो इंग्लैंड को 7 विकेट चाहिए थे। उस्मान ख्वाजा ने 34 रन और स्कॉट बोलन ने 13 रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। पहली पारी में 141 रन जड़ने वाले ख्वाजा ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया पारी को संभाला। उन्होंने 65 रन ठोक दिए। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी दिन का पहला विकेट स्कॉट बोलन के रूप में मिला। बोलन 20 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद ही ट्रेविस हेड भी 16 रन बनाकर आउट हो गए। ये लगातार विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड को जीत की खुशबू आनी शुरू हो गई थी। इंग्लैंड को ऐसा लगने लगा था कि मुकाबला वो आराम से जीत जाएंगे। मैच का 5वां दिन है, इंग्लैंड की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, ऑस्ट्रेलिया को रन नहीं बनाने देंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। हेड का विकेट गिरते इंग्लिश टीम अपनी वापसी करते हुए नजर आ रही थी। कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी को भी इंग्लैंड ने ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। ग्रीन 28 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन एक छोर पर ख्वाजा टिके हुए थे। मगर ग्रीन के आउट होने के बाद बेन स्टोक्स ने उन्हें बोल्ड कर दिया। मानो ऐसा लगा कि ख्वाजा के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें भी खत्म हो गई। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी। ख्वाजा के बाद कैरी भी 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया ने 227 रन पर 8 विकेट गंवा दिए थे। लक्ष्य अभी भी दूर था। मुकाबला भी बेन स्टोक्स से खाते में जाता दिख रहा था, मगर पहले टेस्ट का असली रोमांच अभी बाकी था। पहले टेस्ट का असली रोमांच आखिरी के 40 मिनट में देखा गया। क्रीज पर ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन थे। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 15 ओवर में 51 रन बनाने थे। इसके बाद कमिंस ने अटैकिंग बल्लेबाजी की और 8 विकेट गिरने के बाद उन्होंने नाथन लायन के साथ मिलकर अटूट 55 रन की साझेदारी की और इंग्लैंड के मुंह से ये जीत छीन ली। नाथन लायन और पैट कमिंस की साझेदारी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और ऑस्ट्रेलिया को मुकाबला जिता गई।